तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है यश गौतम और आप देख रहे हैं यशु गौतम वीडियोस। तो आज मैं आ गया हूँ आपके सामने एक और न्यू वीडियो लेके, आप कह सकते हैं एक मैसिव अपग्रेड लेके अपने प्रोडक्ट में, जो मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और मेरे जैसे टेक्निकल बंदे के लिए इन चीज़ों का अपग्रेड होते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपने यार गेस भी कर लिया होगा कि यार एक टेक्निकल बंदे के लिए चीज़ें क्या ज़रूरत होती है। एक फर्स्ट तो होता है उसका फ़ोन, दूसरा होता है उसका शूटिंग कैमरा, और तीसरा होता है उसका एक एक्शन कैमरा जिससे उसे सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है, या व्लॉगिंग कैमरा कह सकते हैं आप उसमें। अब आप गेस कर सकते हैं इनमें से एक चीज़ का अपग्रेड करने वाला हूँ मैं। चलो गेस भी क्या करना, चलिए मैं बता ही देता हूँ। इसमें मैं अपना एक फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड करने वाला हूँ, जो यार मैं पहले यूज़ करता था 11, अब 12 पे अपग्रेड होने वाला है थोड़े टाइम में, या हो भी चुका है। मैं दिखा देता हूँ इस वीडियो में, और जो कलर मैंने चुना है वो भी मैं बता दूँ। यार आजकल ग्रीन कलर से कह सकते हैं ज़्यादा प्यार सा हो रहा है यार। मतलब पहले भी मैंने ग्रीन लिया था, इस बार भी ग्रीन कलर ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा है मेरे को। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल का न्यू फ़ोन, जो थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है, और मैं बता दूं वो कौन सा है अगर इसके डब्बे वगैरह पे मेंशन तो नहीं है। और इसके आप डब्बे से समझ गए होंगे कौन सा होने वाला है। पहले तो यार मैं 11 वगैरह यूज़ कर रहा था, तो अब ये जो अपग्रेड है वो है 12 पे, 12 प्रो, 12 प्रो वगैरह मैक्स नहीं, ना 13। यार धीरे धीरे अपग्रेड करना चाहिए ना इन चीज़ों को। तो अब जो चेंज किया है वो है 12, और जो इसका कलर है वो मैंने लिया है ग्रीन, जो अच्छा है। और ये वर्जन भी मैं बता दूँ कौन सा वाला वेरिएंट है, ये है 128 GB वाला वेरिएंट। और इसके सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव चीज़ लगी है मेरे को इसमें वो है इसका कलर। जो इसका पहले वाला कलर था वो मिंट ग्रीन टाइप का कलर था, आई थिंक सो उसे यही कहते हैं, बट इसका जो ग्रीन है वो सी ग्रीन कलर है। इसमें कमाल वाली चीज़ है। पहले इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह करते हैं, फिर इसके स्लोमो शॉट्स भी दिखाएंगे आपको। इस वीडियो में जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो आप समझ ही गए होंगे डब्बे से, वो है आईफोन। प्राइस वगैरह भी मैं यहाँ पे मेंशन करके दिखा सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। पहले तो इसे अनबॉक्स करते हैं और फ़ोन निकाला जाए पहले डब्बे में से। जो कि अट्रैक्ट सबसे ज़्यादा चीज़ करता है वो है इसका ग्रीन कलर। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा यूनिक कलर है इसका, और अट्रैक्ट भी मेरे को इसी चीज़ ने किया है। यार इसकी पहले पन्नी वगैरह हटा देते हैं, वैसे तो मैंने इसे अनलॉक वगैरह कर रखा है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। और इसकी जो सबसे मिनी यूनिक चीज़ लगती है, ये जो 5S वाला शेड देख रहे हैं आप, फेस देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ लगी है इसमें मेरे को। और इसका जो लुक है बैक से आप कह सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये बैक से बिल्कुल ऑलमोस्ट 11 वाला लुक लगेगा आपको देखने में, क्योंकि कैमरा बम्प से भी वैसे ही हैं, दो लाइट डिटेक्टर भी वही हैं, फ्लैश लाइट भी वही हैं, और एप्पल का लोगो एज यूजल बीच में आने लग गया है ज़्यादातर की जगह। और इसमें जो एक चीज़ पर साइड रख देते हैं, इसमें जो एक चीज़ जो मेरे को अच्छी नहीं लगी एप्पल की, वो है यार इसमें नहीं आता अब अडेप्टर, जो मेरे को बहुत ही बेकार चीज़ लगती है यार। और वो क्यों, क्योंकि यार अडेप्टर जो है उसका वो है यार 2000 रुपये का, और इसमें सिर्फ एक लाइटनिंग केबल मिलती है आपको। यहाँ पे मैं दिखा दूँ, और इसे भी मैंने वैसे तो खोला नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 11 की केबल पड़ी है, तो ये भी ऑलमोस्ट नहीं रहेगी ये चीज़। और इसके कुछ फीचर्स वगैरह बता देता हूँ। इसमें जो कैमरा है, इसमें जो कैमराज हैं दोनों तरफ, यहाँ पे है 12 मेगापिक्सल, यहाँ पे है 12 मेगापिक्सल, और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो एज यूजल है 12 मेगापिक्सल, जो बहुत ही कमाल वाली चीज़ है। और इसका जो फेस अनलॉक वाला जो फीचर है वो ज़्यादातर मेरे को अट्रैक किया है, पहले से वो कर देता हूँ। यहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं, ऑलमोस्ट लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसका जो स्क्रीन साइज़ है वो भी बहुत कमाल करती है, 11 से थोड़ा सा बम्प भी थोड़ा कम है, और लुक भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके लिए वैसे तो यार एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए कवर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसमें ये है। और इसमें मिलती है नीचे आपको केबल, जो बहुत ही अच्छी है। मतलब इसके स्पीकर्स जो 11 है उससे थोड़ा अपग्रेड कह सकते हैं आप इस चीज़ को, क्योंकि यार एजुअल कह सकते हैं आप इन चीज़ों को, कि 11 से 12 पे अपग्रेड कर रहे हैं तो कुछ तो चेंज मिलना चाहिए, बट जो अट्रैक्टिव चीज़ लगती है ना वो यही है मेरे को। यहाँ पे इसका बटन्स और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट लगती है इसमें मेरे को। तो इसके बॉक्स वगैरह पे कोई चीज़ मेंशन नहीं होती मेरे हिसाब से, तो वैसे तो यहाँ दे रखी है मेरे हिसाब से। आईफोन 12 इसके डब्बे में क्या मिलता है, क्या क्या है। और सबसे बड़ी चीज़,
ये कंपनी दावा कर रही है कि ये 5G वेरिएंट वाला फोन है, मतलब इसमें 5G अवेलेबल है। अगर आप कहीं बाहर वगैरह जाते हैं जहाँ पे कोई भी कंट्री में 5G अवेलेबिलिटी होती है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। तो यार आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और ये जो मैसिव अपग्रेड मैंने किया है अपने लेवल के लिए हिसाब से तो आपको अच्छा लगा होगा यार। वैसे तो यार ये बहुत ही यूनिक चीज़ है, और एप्पल इस चीज़ को बेचने में बिल्कुल पीछे नहीं रहता। और हम जैसे जो टेक्निकल लोग होते हैं या जो कह सकते हैं जिनको इन चीज़ों की आदत लग गई है, उन लोगों के लिए ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ होती है इन चीज़ों में। तो यार बस इतना रखते हैं इस वाली वीडियो के लिए। अब इसका यार प्राइसिंग वगैरह भी मैं बता दूँ, ये आपको ऑनलाइन मिलेगा, मैंने अमेजोन वगैरह पर इसके प्राइसिंग देखे। सबसे पहली बात तो मैं बता दूँ, ये 128 GB वाला वेरियंट है, और इसका जो ग्रीन कलर है वो बहुत ही कम शॉप्स पे अवेलेबिलिटी मिलती है इस चीज़ की। अब इसके प्राइसिंग वगैरह पे मैं बता दूँ, ये आपको अमेजोन वगैरह पे आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 70-75,000 रुपीज़ का था जब मैंने ये देखा था लास्ट टाइम। बट ये जो मिला है इस प्राइस में आप यकीन नहीं करेंगे, ये ऑलमोस्ट 63,000-65,000 रुपीज़ का मिला है, वो भी 128 GB वाला वेरियंट, जो मेरी तरफ से बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो यार बस इतना रखते हैं इस वाले वीडियो के लिए। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर एज ऑलवेज की तरह। और अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम जिसपे मैं अपनी रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ अपने जो चैनल से रिलेटेड होती हैं या वीडियो से रिलेटेड, अगर आपने उस पर नहीं देखा है तो उस पर जाकर जल्दी से जल्दी फॉलो कर लो। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ और स्पेल भी कर देता हूँ, YASHUISM, यशुइज्म, आप टाइप कर सकते हैं। और अगर आप ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस भी देखना चाहते हैं जो मैं बनाता रहता हूँ, वैसे तो मैंने एक ही सीरीज बनाई है, अगर आपने उस चैनल को भी देखना चाहते हैं तो यार उसका भी एक अलग इंस्टाग्राम मैंने बना रखा है, आप चैनल कह सकते हैं, उसका आप फॉलो कर सकते हैं। उसका नाम भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, YASHU-GAUTAM-VIDEOS, जो बहुत ही कमाल वाली चीज़ है। तो मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो मिलता हूँ, बाय।